नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। वही एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने सरकार के खिलाफ सवाल उठाई है। वही एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने किसानों की बात की है। और इतना ही नहीं, वही एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने ये भी कहा किसान, वो तमाम जो वार्डरों पे बैठे हुए हैं वो किसान नहीं, वो हमारे ही खून है। मैं आज बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के बारे में। क्यों, ये सवाल आप सोच रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा किया है। सवाल इस बात को लेकर किया है कि आज जो 23 करोड़ का जो घोटाला हुआ है बैंक, आप तो देख जानते ही हैं, तमाम चीजों मैंने खबरें बताई भी हैं, उसको लेकर मेनका गांधी ने भी सवाल किया था और अब वरुण गांधी ने भी सवाल किया है। सवाल ये किया है कि नीरव मोदी, तमाम जो विजय माल्या, ये तमाम लोग जो पैसा लेकर भागे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनकी अरेस्ट गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। वाकई में ये सवाल सोचने वाला है कि हमारे देश में ही इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती है। तो वरुण गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सवाल बिल्कुल लाजमी है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। एक आम लोगों का जो पैसा है बैंक में, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्या वो पैसा महफूज है कि नहीं। आज ये भी लोगों के मन में शक हो रहा है बार बार। कभी PMC बैंक का घोटाला होता है, कभी यस बैंक में डरावा होता है, और कभी किसी का पैसा ही कोई लेके भाग जाता है, जिसको लेकर सवाल खड़े करने लगते हैं। अब वरुण गांधी जो सवाल उठा रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी, गिरफ्तारी कब होगी, सवाल जो मेनका गांधी उठा रही है, इसके जवाब कौन देगा, इसके जवाब का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है जो जवाब के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक अच्छी बात यही है कि आज विपक्ष में कोई सवाल करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। आज मीडिया का हाल ये रह गया कि वो विपक्ष से ही सवाल पूछता है, उसके अंदर इतना जमीर नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछे। लेकिन वरुण गांधी को सलाम करते हैं कि वो लगातार महंगाई, अर्थव्यवस्था, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है, हालांकि वो उन्हीं के पार्टी से है। देखना यही होगा कि क्या कम से कम विपक्ष का तो नहीं, क्या उनके ही सांसद का जो है कम से कम बात सुनी जाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SP9 न्यूज। नमस्कार।